यार ये वीडियो जो है बन रही है आप ही लोगों की वजह से। आपने काफी लोगों ने वोट किया था GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन का मॉड पैक को, और मैंने भी सोचा यार काफी टाइम से डेफिनेटिव एडिशन का मॉड पैक अपलोड नहीं किया है। ये मॉड पैक मैं आज की इस वीडियो में ले आया हूं गाइस आप सभी लोगों के लिए फॉर योर GTA San Andreas एंड्रॉइड के यूजर्स के लिए। ये एक नया मॉड पैक हो सकता है क्योंकि इस वाले मॉड पैक के अंदर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन मैंने अपनी तरीके से किए हैं। जी हाँ गाइस, मैंने GTA डेफिनेटिव एडिशन के कुछ रिसोर्सेज को इस वाले मॉड पैक के अंदर ऐड किया है। ये मॉड पैक मैंने एक क्रिएटर से लिया था और उनका जो नेम है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन क्रिएटर से ग्राफिक्स मॉड पैक लेने के बाद में मैंने उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करके कुछ और चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन करी है, और वो वाला मॉड पैक मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आपको टेक्सचर्स दिखाने के लिए चलता हूँ। ये टेक्सचर्स आपके होने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्काई बॉक्स जो है बिल्कुल एक नंबर स्काई बॉक्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे स्काई बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे स्काई देखने के लिए मिलने वाले हैं, और तो और यार बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत करना। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रोड टेक्सचर, द अमेजिंग रोड टेक्सचर, जो कि आप अपनी इस वाली वीडियो के अंदर देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हाई क्वालिटी के टेक्सचर्स आपको इस वाले मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे नाइट मोड के अंदर जो स्काई बॉक्स है वो भी बहुत अच्छा दिखने वाला है। लाइट्स बहुत अच्छी देखने के लिए आपको मिल जाएगी, और तो और जो रिफ्लेक्शंस है दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। लाइक जो रिफ्लेक्शन मैंने देखे थे फर्स्ट टाइम, मैं बिल्कुल शॉक हो गया था कि इतने ज्यादा कम एमबी वाले मॉडपैक के अंदर इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस। अब ये मॉडपैक कम एमबी का, इसका मतलब ये नहीं मॉडपैक अच्छा नहीं। मॉडपैक एक्चुअल में जब आप इस गेम प्ले को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार मॉडपैक बिल्कुल वर्थ इट है, जिस अकॉर्डिंग इसका जो साइज है, इसका जो स्काई बॉक्स है, इसके जो ग्राफिक्स है और इसके जो क्वालिटी है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स भी मैंने आपको कस्टमाइज करके दिए हैं इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर, जो कि आपको एक्चुअल में थोड़े से नए कंट्रोल्स लगने वाले हैं। और तो और उसके अलावा यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ जो है रोड टेक्सचर्स, वो रोड टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं जैसा कि आपने अभी वीडियो के अंदर देखा। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन का जो आपको गन मेन्यू जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके PC वाले GTA डेफिनेटिव एडिशन के अंदर होता है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आप इस वाले मॉडपैक को डाउनलोड करके इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि ये मॉडपैक टेस्टेड है ऑन एंड्रॉयड 13 और उससे नीचे वाले एंड्रॉयड वर्जन 11 के अंदर मैंने ट्राई करके देखा है इसको, दोनों में अच्छे से चला है। एंड्रॉयड 12 में मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैं पूरा श्योर हूँ कि एंड्रॉयड 12 में बहुत अच्छे से मॉडपैक रन करने वाला है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मैंने सेटिंग्स करी है ये मॉडपैक किसी के अंदर भी क्रैश नहीं करने वाला है। तो अगर आपका आपके फ़ोन में ये वाला मॉडपैक किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दो यार, मैं उसको फिक्स कर दूंगा। और तो और इस मॉडपैक को हो सकता है मैं फ्यूचर में अपडेट करूँ, लेकिन अभी ये वाला जो मॉडपैक है ये एक्चुअल में रेडी टू गो है। यहाँ पर आप इसको इन्जॉय कर सकते हो क्योंकि लाइटिंग वगैरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड कर दी गई है इस वाले मॉडपैक के अंदर। ये मॉडपैक किसी और का है, लेकिन मैंने इसमें कस्टमाइजेशन जो है अपने अकॉर्डिंग करी है। जैसे कि आप देखोगे तो रिफ्लेक्शंस वगैरह जो है सब ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड के अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा मैंने यहाँ पे डेफिनेटिव एडिशन के कुछ फीचर्स को ऐड किया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर। जो रिफ्लेक्शंस क्वालिटी है वो अगेन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा औसम देखने के लिए मिल रही है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, गेम प्ले से हट करके मैं आना चाहूँगा, जो क्रैशिंग वाला सीन है आप लोगों का, कि यार काफ़ी वो गेम क्रैश कर रहा है। लोग मुझे बोलते हैं कि यार आपका मॉडपैक में गेम क्रैश कर रहा है। मैंने सॉल्यूशन पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर जब मॉडपैक डाउनलोड करते हो, किसी भी मॉडपैक को डाउनलोड करते हो, कहीं से भी डाउनलोड करते हो, अपने OBB को ज़रूर एक बार वहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर डाल दो। OBB डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपके गेम के अंदर जो भी फाइल मिसिंग होगी जिसकी वजह से आपका गेम क्रैश कर रहा होगा, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी OBB फाइल को डालने से। तो OBB फाइल डालना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फायदे आपको दे सकता है, क्योंकि OBB फाइल डालने से आपके जो एंड्रॉयड में जो भी मिसिंग फाइल होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी, आपका गेम क्रैश नहीं करेगा। क्रैश से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे गेम के अंदर जब आप मॉडपैक को डाउनलोड करोगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ये वाली वीडियो देखनी है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो पर क्लिक करते ही आप जो वीडियो देखोगे वो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने वाला है।
है, तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार, आप जब मोटो को डाउनलोड करोगे तो आप अपने इस वाले लैंग्वेजेस को जो है बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा। लैंग्वेजेस जो है आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। आप चाहो तो ऑल्दो अगर आप दूसरी कंट्री से हो तो वो रख सकते हो इंडोनेशिया वगैरह, तो वो अभी अगर आप इंडिया से हो तो इंग्लिश का यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज गेम में प्रॉब्लम आ सकती है। मैप में मैंने कस्टमाइजेशन करके इस वाले मोडपैक को फाइनल ही मैंने क्रिएट करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप जाना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, यू कैन गो डाउनलोड दिस मोडपैक, बिकॉज एक्चुअल में ये मोडपैक कस्टमाइज है। यहाँ पे मोडपैक के अंदर लाइटिंग बहुत ज़्यादा ऑसम है और ग्राफिक्स मोडपैक के अंदर कार्स बिल्कुल ऐड नहीं करी गई है, क्योंकि डेफिनेटिव एडिशन के अंदर कोई स्पोर्ट्स कार्ड्स नहीं है। अगर आपको लगता है स्पोर्ट्स कार्ड्स है रियल डेफिनेटिव एडिशन में तो मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैंने देखा है डेफिनेटिव एडिशन में कोई स्पोर्ट्स कार्ड नहीं है, तो इसके अंदर भी स्पोर्ट्स कार्ड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट हाँ, आपको जीटी सैन एंड्रियास की सारी कार्ड्स देखने के लिए मिल जाएगी। जीटी सैन एंड्रियास के बहुत सारे मिशन जो डिफॉल्ट मिशन होते हैं वो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स मोडपैक के अंदर। तो ग्राफिक्स मोडपैक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि रियलिस्टिक ग्राफिक्स स्काई बॉक्स के साथ में तो ये वाला आपको मोडपैक मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यार रिफ्लेक्शंस भी देखने के लिए अच्छे से मिलने वाले हैं। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया आप कैसे डेफिनेटिव एडिशन को मोडपैक को डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी है। एंड मोडपैक का अगर आप डाउनलोड करते हो आपकी मोडपैक रन करता है, तो प्लीज़ वीडियो में आकर के एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मोडपैक वर्किंग है, काम कर रहा है, ताकि काफ़ी लोगों को जो है ट्रस्ट हो जाए मोडपैक के अंदर और मोडपैक को डाउनलोड कर सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बताना ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो है वो मे भी हो सकती है डेफिनेटिव एडिशन पीसी वाला जो गेम है वो हम अपने फ़ोन में खेलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। सो हैज़ यूजुअल, मेरा नाम शुरेश है जैसा आप लोगों को पता है, और मैं जा रहा हूँ दूसरी वीडियो को बनाने। तब तक यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, भूलना मत। एंड कमेंट अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना यार वीडियो में, अगर मेहनत लग रही है आपको, वीडियो भी अच्छी लग रही है, वीडियो आप अब तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड मैं चला दूसरी वीडियो अपलोड करने, तब तक के लिए साइनिंग आउट।